हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सौरचंद मित्र। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन देख सकते हो आप। हमें मैट्रिक्स दी हुई है और इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं एक दूसरे एक्स की मैट्रिक्स के साथ, और मुझे मिलता है ये। खैर, मुझे इसमें निकालना ही है कि जो एक्स मैट्रिक्स है वो कितना है, मतलब वो कितनी है जिसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया मैंने, इस मैट्रिक्स के साथ इस एक्स वाली मैट्रिक्स का, तो मुझे ये मिला। तो मुझे ये एक्स मैट्रिक्स निकालनी क्या होगी, तो कैसे करेंगे इसको भाई? सबसे पहले देखो, मैं क्या कर देता हूँ, मुझे ये एक्स मैट्रिक्स पता नहीं है ना, तो मैं सीधे सीधे ये करता हूँ। मैंने यहाँ पे जैसे ये रखा 5 1 4 1, ठीक, ये मैट्रिक्स ऐसे ही उतार दी। अब देखो, जो एक्स वाली मैट्रिक्स है इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने कर दिया, देखो मुझे मैट्रिक्स की ये प्रॉपर्टी पता है कि अगर मुझे ए क्रॉस बी दो मैट्रिक्स का करना है तो इनका कौन सा एम क्रॉस एन है, जैसे इसका ऑर्डर है पी क्रॉस क्यू, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए भाई, सीधे सीधे मुझे ये चीज़ पता है, ठीक। खैर, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो मुझे कुल मिला के इसके नंबर ऑफ कॉलम, इसकी नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। तो मैं सीधे सीधे इसी के ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाता हूँ। मुझे पता नहीं था एलिमेंट, मैंने तो ए बी सी डी करके मान लिया, ए बी सी डी करके मैंने कह दिया कि ये एक मैट्रिक्स इस प्रकार से। अब देखो भाई, ये मिल गया मैट्रिक्स, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमने सीधे सीधे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? अच्छा, ये इक्वल होती है इसके, ये भी रख दिया मैंने, सारा का सारा वैसे का वैसे रख दिया, 1 3 ऐसे, ठीक। अब देखो, अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा। तो कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? पहले इस रो का इसके पहले कॉलम के साथ, तो करो भाई, ये पहली रो का मैंने इसके पहले कॉलम के साथ किया, ये देखो पहली रो का पहले कॉलम के साथ, तो पहले 5 का किया ए के साथ, तो हो गया 5 ए, ऐसे ही 4 का किया इसके साथ, तो हो गया जी प्लस का 4 सी। अब पहली रो का दूसरे कॉलम के साथ, तो पहली रो का करो दूसरे कॉलम के साथ, तो ये हो गया जी हमारा 5 × b 5b, और 4 का d के साथ प्लस के 4d। अब इस वाले का इसके साथ, तो ये हो गया मेरा 1 × a हो गया a, प्लस 1 × c हो गया c, और ऐसे इसका इसके साथ हो गया 1 × b हो गया b, और d के साथ हो गया d, बराबर हो गया जी हमारा ये 1 − 2 1 और 3। अब देखो भाई, अब क्या करेंगे, अब देखो आप सीधे कंपेयर करना है मैट्रिक्स का। यहाँ पे आपको पता ही होगा मैट्रिक्स का कंपेयर कैसे करते हैं, मैट्रिक्स का कंपेयर कैसे होता है भाई। कंपेयर ऐसा होता है कि सीधे सीधे इसके जो इसका एलिमेंट, अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है कि इसका ये एलिमेंट इसके इस एलिमेंट के इक्वल है, ये इसका ये एलिमेंट इसके इक्वल है, इसके एलिमेंट ये इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ठीक है, तभी तो होगा ये तो इक्वल दोनों, ठीक। तो सीधे सीधे मैं ये लिख सकता हूँ 5a + 4c जो है वो हमारा है 1 के इक्वल। दूसरा यहाँ से ए सी इसमें भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a + c जो है हमारा इस 1 के इक्वल है, ठीक। अब यहाँ से मुझे इसको इक्वेशन सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन मिल गई दो वेरिएबल की, तो कैसे हो गया भाई? देखो भाई, इनको सॉल्व करने का तो छोड़ो इस लाइन को भी, मैं पता कैसे करता हूँ, मैं करता हूँ देखो, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस a = 1 − c रखता हूँ, a = 1 − c रखूँगा इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिनको पता नहीं चल रहा उनको देख देता हूँ मैं, ये देखो a = यहाँ से हो जाएगा ना 1 − c। अब ये इस वाली इक्वेशन में पुट किया, तो यहाँ पे 5 × 1 − c किया प्लस के 4c = 1 किया, तो ये हो गया 5 × 5 − 5c + 4c = 1, ठीक। और ये हो जाएगा हमारा 5 5 + − c = 1, दिख रहा हो आपको, चलो थोड़ा भारी कर देते, सी इधर गया तो सी बराबर क्या हो जाएगा 4। वैसे मुझे ये इतना डिटेल में करना नहीं चाहिए था ना, आप जब मैट्रिक्स पढ़ने आ रखे होंगे तो आपके तो ये बेसिक तो सच नहीं आता होगा। खैर चलो कोई नहीं, सी बराबर 4 या। अब ऐसे ही यहाँ पे ये दोनों ही, इन दोनों का कंपेयर करा मैंने, ये 5b + 4d, तो इसके इक्वल हो जाएगा ये -2 के इक्वल, इसका कंपेयर किया इसके साथ, तो ये हो गया हमारा b + d = 3, ठीक है भाई। अब यहाँ से सॉल्व किया इनको, सेम मैनर में करता हूँ मैं फिर से, ये मैंने यहाँ से लिख दिया b = 3 − d, यहाँ पे रखा तो 5 × 3 − d प्लस का 4d = -2, सो 5 5 * 15 5 * 15 − 5d + 4d,
माइनस के 2। लो भाई यहाँ से हो गया ये माइनस का टी बचा, बराबर हो गया ये भी इधर माइनस का 17 इधर गया, तो और हटाओ इस माइनस को, टी बराबर कितना आ गया 17। तो टी बराबर 17, अरे टी बराबर 17 आया तो वो ए बराबर कौन निकालेगा, ए बराबर कैसे निकलेगा, ए बराबर ये देखो 1 माइनस सी, एक में से 4 के कितना ए बराबर यहाँ से मिल रहा था मेरे को माइनस का 3। हाँ सी बराबर 4, हाँ ए बराबर माइनस का 3, हाँ यहाँ से टी बराबर 17, हाँ डी बराबर 17 मिला, तो आप यहाँ से बी बराबर निकाल सकते हो, बी बराबर कितना हो जाएगा 3 में से 17 गया, कितना हुआ भैया 14 माइनस का वो भी। लो जी सारे के सारे टर्म मिल गए अब आपको, तो हमारी मैट्रिक्स जो थी क्या थी भाई, क्या मानी थी आप लोगों ने, अरे आप लोगों ने कहाँ मानी, हमने मानी थी वो तो ए बी इधर माना था, सी इधर माना था, डी इधर माना था, इस प्रकार से माना था एक्स मैट्रिक्स को, तो भरो भाई इनकी वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी आई माइनस का 3, बी की वैल्यू कितनी आई माइनस का 14। अरे भाई अब आप लोग भी आसानी से कर लोगे, मानने का क्या है, कोई भी मान सकता है, ए बी सी 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 का 4, डी है जी 17। तो इस प्रकार से एक्स जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते थे आसानी से। तो ये था भाई आज के लिए, फिर मुलाकात होगी तब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड अपना ध्यान रखें।